सरकार ने जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था IGRS की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत कोई भी शिकायतकर्ता संबंधित विभाग के बारे में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है और जिसका निस्तारण भी शीघ्रता से करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के अंतर्गत IGRS की एक कार्यशाला का आयोजन पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें IGRS से प्राप्त शिकायतों के बारे में इंस्पेक्टर ब्रिजेश सिंह ने उपस्थित पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बताया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP क्राइम आलोक वर्मा ने बताया, अपने यहाँ 10 दिन ही मानिए, जो भी दरखास्त आपके स्टाफ से शो कर रही है उसको आप 15 दिन न मान के चले, 10 दिन माने आप लोग कि 10 दिन में इसकी जांच आख्या IGRS सेल में पहुंचवा देंगे, तो 10 दिन जो है जांच आख्या IGRS सेल में पहुंच जाएगी। तो इस बिंदु पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाए, कहीं से निगेटिव असंतुष्ट फीडबैक न होने पाए। नंबर तीसरे पे है माधव प्रसाद द्विवेदी जी, ये जो है ग्रामीण दक्षिणी के नोडल बनाए गए हैं, इन सब हम लोगों का जो है मोबाइल नंबर भी जारी किया गया, सरकारी मोबाइल नंबर अभी हम आपको आप लोगों को बताएंगे अगले आदेश में है, कप्तान साहब ने निर्गत किया है उसको भी बताते हैं आप लोगों को कि ये सरकारी मोबाइल नंबर दिए गए हैं। हम लोग की जिम्मेदारी ये है कि जो भी थानों से जांच आख्याएं आई हैं उन आवेदकों से जो है इस नंबर से जो है फीडबैक लिया जाए कि जो थाने से जांच आख्या उपलब्ध कराई गई है, जांचकर्ता जो है आप उनसे संपर्क किए हैं कि नहीं, आपके मौके पर गए थे कि नहीं गए थे, आपसे उनकी वार्ता हुई है कि नहीं, आपको जानकारी है कि नहीं हमारे मामले में ये फला जांचकर्ता नामित है, यहां तक व्यवस्था संबंधित अधिकारियों को ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा। IGRS सेल में नियुक्त निरीक्षकों के संबंध में निम्न निर्देश निर्गत किए जाते हैं, प्रतिदिन डैशबोर्ड को चेक करेंगे, समस्त लंबित ऑनलाइन संदर्भों को जांच हेतु प्रेषित कराएंगे, पड़ी सहित आख्या तैयार कराकर मेरे अथवा नोडल अधिकारी के हस्ताक्षरों उपरांत समय से अपलोड कराएंगे। कि बस एक मनसा है कि किसी भी कीमत पे जो आख्या अपलोड करा दी जाए वो वापस न आए, वापस मतलब दोबारा कार्यभार न पड़े। तीसरा है प्रतिदिन संदर्भों को चेक करेंगे कि कोई भी प्रकरण डिफॉल्टर न होने पाए तथा डिफॉल्टर होने के पूर्व ही संबंधित जांचकर्ता अधिकारी को अवगत कराते हुए समयबद्ध रूप से आख्या प्राप्त कर प्रेषित कराएंगे। इसके उपरांत भी यदि जांच आख्या के प्राप्त होने में विलंब होता है तो प्रभारी नोडल अधिकारी को अवगत कराएंगे, नोडल अधिकारी द्वारा संबंधित जांचकर्ता अधिकारी से वार्ता कर समयबद्ध रूप से आख्या प्राप्त कर अपलोड कराई जाएगी। मोस्ट प्रायोरिटी इसमें आवेदक को दी गई है, जो भी उसकी शिकायत है उसके सापेक्ष जो जांच आख्या आई है उस जांच आख्या से उसको अवगत करा के तब अपलोड किया जाए, ताकि वो उस अपनी जांच आख्या से वो संतुष्ट रहे, उसको ये पता रहे कि हमने जो दरखास्त दिया था उस दरखास्त पे ये जांच आख्या अपलोड कराई। कार्यशाला का उद्देश्य जो IGRS ग्रीवेंस रिडक्शन सिस्टम है, इसमें जो उससे संबंधित कर्मी हैं जो IGRS का कार्य करते हैं उनकी कार्यप्रणाली में सुधार लाना, जो जांच है उसकी गुणवत्ता में को इम्प्रूव करना और सभी को प्रॉपरली ट्रेन करना, यही इसका उद्देश्य है, इसी हेतु ये कार्यशाला है।